29 अक्टूबर वर्ल्ड सोराइसिस डे। वर्ल्ड सोराइसिस डे मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। जिस तरीके से कैंसर डे मनाते हैं, मलेरिया डे मनाते हैं, ट्यूबरकुलोसिस डे मनाते हैं, उसी तरीके से वर्ल्ड सोराइसिस डे भी मनाया जाता है। कब? 29 अक्टूबर को। क्यों मनाते हैं हम ये दिन? इस दिन को सोराइसिस डे मनाया जाता है ताकि लोगों को अवेयर कर पाए इस बीमारी के बारे में, सोराइसिस के बारे में, और जो लोग इस बीमारी को फेस कर रहे हैं उनको हम सपोर्ट कर पाए, इसलिए ये डे मनाया जाता है 29 अक्टूबर को, वर्ल्ड सोराइसिस डे। तो आज के लेक्चर में हम इसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं। ये सोराइसिस है क्या, कितने प्रकार के हैं, क्या क्या सिम्टम्स है, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है अभी हमारे पास अवेलेबल, और इस बीमारी के पीछे का कारण क्या है, क्या पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, वो सब हम समझेंगे। तो सोराइसिस टॉपिक को मैंने डिवाइड किया है दो पार्ट में। आज के पार्ट में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, सिम्टम्स, टाइप्स और कॉज। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात कर लेंगे पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म को और जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शन है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो ये समझना है कि एपिडेमियोलॉजी क्या है। सोराइसिस जो है ये वर्ल्ड वाइड अगर आप बात करोगे तो अप्रॉक्स 3% लोग इससे अफेक्टेड है सोराइसिस। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोराइसिस एसोसिएशन, 3% वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ सम फॉर्म ऑफ सोराइसिस। दैट्स अबाउट 125 मिलियन पीपल। 3% मीन्स 125 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड अफेक्टेड है इस बीमारी से। हर किसी 125 मिलियन पीपल को कोई ना कोई टाइप की सोराइसिस है। यूएस में अगर आप देखोगे तो इट अफेक्ट्स अबाउट 7.5 मिलियन पीपल। अगर आप वही इंडिया में रेंज देखोगे तो इट रेंज बिटवीन 0.5% टू 2.3%। यूएस के कंपेयर कम है, यहाँ पे यूएस में ज़्यादा है। द प्रिवेलेंस रेट ऑफ सोराइसिस इन चाइना एंड जापान इज लो एज कम्पेयर टू यूरोप सिटी। मतलब चाइना और जापान में कम है प्रिवेलेंस एज कम्पेयर टू यूरोप। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि ये जो सोराइसिस है, ये जो बीमारी है, ये मेल और फीमेल को इक्वली अफेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि मेल्स आर मोर ससेप्टेबल देन फीमेल्स और फीमेल्स आर मोर ससेप्टेबल देन मैन, ऐसा नहीं है। मेन और मेल और फीमेल दोनों ही इक्वली अफेक्टेड होते हैं। और ये भी आपको नोट करना है कि ये जो बीमारी है ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, ठीक है, चिल्ड्रन में भी, एडल्ट्स में भी, ओल्डर पीपल में भी, किसी भी एज ग्रुप में ये बीमारी हो सकता है। तो अब हमें समझना है सोराइसिस आखिर है क्या, ठीक है। वर्ल्ड वाइड 125 मिलियन पीपल इससे अफेक्टेड है। तो सोराइसिस आखिर है क्या? सोराइसिस एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी ऑटो इम्यून नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज है। मतलब सोराइसिस एक लंबे समय तक रहने वाली बीमारी है, इन्फ्लामेटरी डिजीज है, ये इन्फ्लेमेशन कॉज होता है यहाँ पे। सेकंड आपको ये नोट करना है कि ये नॉन कॉम्युनिकेबल है, मतलब एक जो भी इंसान अफेक्टेड है वो दूसरे इंसान को अफेक्ट नहीं कर सकता। कोई भी पूछे सोराइसिस क्या है, सबसे पहले आपके दिमाग में भी ये फिट होना चाहिए कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ओके। मतलब ऑटो इम्यून डिजीज मतलब बेसिकली नॉर्मल बॉडी में क्या होता है, हमारे बॉडी में प्रेजेंट है इम्यून सिस्टम, ठीक है। इम्यून सिस्टम में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि मिलकर ये सिस्टम को क्रिएट करते हैं, उस सेल्स को कहते हैं हम एंटीबॉडीज। बहुत सारे एंटीबॉडी मिलकर क्या बनाते हैं, इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, डिफेंस करता है, किससे, बाहर के जो भी अनवांटेड सब्सटेंस है, अनवांटेड टॉक्सिन्स है, अनवांटेड फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस, ये कुछ भी अगर हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इम्यून सिस्टम में क्या है, एंटीबॉडीज़ है। ये एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, फॉरन सब्सटेंस को सेंस करते हैं और फिर उसको किल करते हैं ताकि हमारे बॉडी को ये प्रोटेक्ट कर पाए वायरस, बैक्टीरिया, इन सब चीज़ों से, ठीक है। बेसिकली यही होता है नॉर्मल बॉडी में। ये कब एक्टिवेट हुआ, जब हमारे बॉडी में ऐसे कोई फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन पार्टिकल्स एंटर हुए, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस एंटर हुए। बट ये सोराइसिस वाले पेशेंट में
ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब ये यहाँ पे इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट है और बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिवेट है। हाइपर एक्टिवेट होने से ये गलती से हमारे मतलब स्किन सेल्स को अफेक्ट कर रहा है, यहाँ पे स्किन सेल्स को अफेक्ट कर रहा है और क्या कॉज कर रहा है, सोराइसिस। ठीक है, जब हम पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म को समझेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से इम्यून रिस्पॉन्स बिगड़ने से यहाँ पे सोराइसिस कॉज हो रहा है। फिलहाल आपको यहाँ पे डेफिनेशन में ये याद रखना है कि सोराइसिस क्या है, एक ऑटो इम्यून डिजीज है पहला तो, सेकेंड में लिखना है आपको ये नॉन कॉम्युनिकेबल है, कॉम्युनिकेबल नहीं है ये, एक पर्सन दूसरे पर्सन को अफेक्ट नहीं कर सकता, तीसरा आपको ध्यान में रखना है कि ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये क्रॉनिक डिजीज है, मतलब लंबे समय तक रहता है ये प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट है सोराइसिस क्या है, एक स्किन डिजीज है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इट इज अ स्किन डिजीज। होता क्या है जनरली यहाँ पे, स्किन जो सेल्स है वो बहुत जल्दी जल्दी बिल्डअप होते हैं, मतलब रैपिडली बिल्डअप ऑफ स्किन सेल्स, रैपिड बिल्डअप ऑफ स्किन सेल्स कॉज स्केलिंग ऑन योर स्किन सरफेस। अब आपको यहाँ पे एक चीज और पढ़ना है, एक चीज और समझना है कि होता क्या है हमारे बॉडी में, जो स्किन है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, पहले अपर लेयर होता है, वो होता है एपिडर्मिस, देन फिर होता है मिडिल लेयर जिसको कहते हैं हम डर्मिस, और फिर होता है हमारा नीचे सबक्यूटेनियस लेयर। ठीक है, तो जो अपर लेयर है एपिडर्मिस, वहाँ पे प्रेजेंट है सेल्स, किरेटिनोसाइट्स सेल्स, ये सेल्स ग्रो करते हैं और हमारे इस धीरे धीरे ये ग्रो करके सबसे टॉप मोस्ट लेयर पर पहुँच जाते हैं। टॉप मोस्ट लेयर पर जब पहुँचते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। डेड होने के बाद वो अपने आप ही क्या होता है, सेड ऑफ हो जाता है। जो हमारे हमारी स्किन सेल्स है वो क्या होती है, अपने आप ही सेड ऑफ हो जाती है, एक्सफोलिएट हो जाती है, मतलब कि निकल जाती है। ठीक है, ये प्रोसेस होने में कितना समय लगता है, अप्रोक्स 30 to 40 days, 50 days आप ध्यान में रखना है कि 50 days के अंदर हमारी नई स्किन सेल्स आ जाती है और जो पुरानी स्किन सेल्स है वो एक्सफोलिएट हो जाती है, निकल जाती है अपने आप ही। बट सोराइसिस वाले पेशेंट में क्या होता है, इम्यून सिस्टम बिगड़ने से, इम्यून रिस्पॉन्स डिसरेगुलेट होने से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो गलती से हमारे ही स्किन हेल्दी स्किन सेल्स को अटैक करता है, और अटैक होने से क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी रैपिड बिल्डअप ऑफ स्किन सेल्स, स्किन सेल बहुत जल्दी जल्दी बिल्डअप होते हैं, मतलब जो किरेटिनोसाइट्स है वो बहुत जल्दी जल्दी बिल्डअप होते हैं, और अभी अपर लेयर फेड ऑफ हुआ ही नहीं है, एक्सफोलिएट हुआ ही नहीं, और क्या होता है जो नीचे का लेयर है न्यू लेयर वो आते जाती है, एक बहुत जल्दी जल्दी बिल्डअप होने से क्या कर देता है वो, एक थिक लेयर बना देता है, थिक स्किन लेयर। तो सोराइसिस इज अ स्किन डिजीज दैट कॉज अ रैसेस विथ इची। कैसे होते हैं रैसेस होते हैं, वो कैसे होते हैं, इचिंग होती है वहाँ पे, इची होते हैं, स्केली पैचेज होते हैं, पैचेज होते हैं, और वो कैसे होते हैं, उसके ऊपर पपड़ी जैसी स्किन हो जाती है, पैचेज मोस्ट कॉमनली कहाँ कहाँ पे जनरली देखने को मिलता है, स्काल्प में, एल्बोज में, नीज में, लोअर बैक में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, वैसे तो पूरे बॉडी में ये कहीं पे भी हो सकता है, बट ये कुछ प्लेस है जहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा मतलब देखने को मिलता है। ठीक है, मोस्ट ऑफन एरिया नीज, एल्बोज, ट्रंक, स्काल्प, ये सब। सोराइसिस एक क्या है, जैसा कि मैंने बताया लॉन्ग टर्म डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज है और नॉन कॉम्युनिकेबल है, सोराइसिस इज नॉट कॉम्युनिकेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। थर्ड लास्ट ऑप्शन में आपको पॉइंट में आपको ये नोट करना है कि हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन फिलहाल क्या क्या है, कुछ टॉपिकल एप्लीकेशंस है, मतलब टॉपिकल अप्लाइड मेडिकेशंस है जिससे हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं उसके ट्रीटमेंट को मैनेज करने के लिए। सेकेंड हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम कुछ मेडिकेशंस ओरली ले, एडमिनिस्ट्रेट करें, या फिर लाइट थेरेपी, मतलब यहाँ पे लेजर ट्रीटमेंट के थ्रू इसके सिम्टम्स को मैनेज किया जाता है। एक चीज़ आपको यहाँ पे ये नोट करना है कि सोराइसिस जो है ये क्योर नहीं कर सकते हम, हमारे पास अभी ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि पूरे तरीके से सोराइसिस को ठीक किया जाए, बट हाँ हम इसके सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं। कैसे, टॉपिकल एप्लीकेशन से, टॉपिकली अप्लाइड मेडिकेशन से, या फिर कुछ ओरल मेडिकेशन से, या फिर लाइट थेरेपीज से, इन सब चीज़ों से आप सोराइसिस के सिम्टम्स को कुछ हद तक मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अब आप यहाँ पे इस फिगर को देखिए, यहाँ पे आप फिगर में आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि ये नॉर्मल स्किन है और ये सोराइटिक स्किन है। ठीक है, नॉर्मल स्किन में जनरली क्या है, एपिडर्मिस लेयर है, फिर उसके बाद डर्मिस, फिर उसके बाद सबक्यूटेनियस लेयर।
एपिडर्मिस लेयर में क्या प्रेजेंट होता है, केराटिनोसाइट्स स्किन सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो ग्रो करते हैं, और धीरे धीरे वो ग्रो करके अपर लेयर जब ऊपर की तरफ आते हैं तो वो फिर ऊपर की तरफ आने के बाद डेड हो जाते हैं, और डेड होने के बाद 30 से 50 दिन के अंदर वो अपने आप ही निकल जाते हैं, एक्सफोलिएट हो जाते हैं, और जो नए सेल्स आगे बढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ वो फिर वापस से आ जाते हैं, ये होता है ठीक है। और डर्मिस में क्या प्रेजेंट होता है, हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, सीबीएस सबिस्कस सबिस्कस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ पे प्रेजेंट होती है, डर्मिस में प्रेजेंट होती है ठीक। देन फिर आप इस फिगर में देखो, ये सोराइटिक स्किन है, यहाँ पे क्या है, ये जो इपिडर्मिस लेयर है वो क्या हो गया है, एक्स्ट्रा ग्रो हो गया, मतलब यहाँ पे जो केराटिनोसाइट्स है वो क्या हो गया, एक्स्ट्रा ग्रो हो रहा है, एक्स्ट्रा ग्रो होने से क्या हो गया, यहाँ पे जो लेयर है वो थिक हो गई है, थिक लेयर हो गई है, साथ ही साथ क्या हो गया, अपर के लेयर में आप देखो स्केल्स फॉर्म हो गया है, पैचेस बन गए, और पैचेस कैसे दिख रही है आपको, रेड इन्फ्लेम्ड और इचिंग हो रही है वहाँ पे, और वहाँ पे स्केलिंग हो गई है, बिल्कुल डैंड्रफ टाइप स्किन निकल रही है वहाँ से, कुछ इस तरीके का हो जाता है सोराइसिस में। साथ ही क्या होता है, जो डर्मिस पार्ट है जहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है वो क्या होता है, डायलेट हो जाते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो अंदर भी कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो डर्मिस में भी क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है वो डायलेट हो जाते हैं, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो काफ़ी बढ़ जाता है सोराइटिक वाले पेशेंट में एज कंपेयर टू नॉर्मल। ओके, अब यहाँ पे सिम्टम्स समझना है, तो जनरली सिम्टम्स में क्या क्या है, स्केलिंग जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब पैचेस के ऊपर पपड़ी टाइप स्किन्स हो जाती है, इचिंग खुजली होना, एरिदमा मतलब रेडनेस हो जाना, जैसा कि मैंने बताया ब्लड सप्लाई ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे, तो इस इंक्रीज होने से क्या होता है, वहाँ पे रेडनेस दिखते हैं आपको, रेड इरिदमा, फैटिग स्वेलिंग बर्निंग ब्लीडिंग, अगर आप उस पैचेस के ऊपर जो पपड़ी है स्किन है उसको आप अगर खुजलाओगे, इचिंग अगर आपको काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे, आपने काफ़ी इचिंग कर दी है, तो उससे क्या हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकता है। फिर है फ्लैकिंग और स्केलिंग इन नॉन स्काल्प एरिया, अगर स्काल्प में है तो डैंड्रफ टाइप डैंड्रफ जैसा आपको दिखेगा, बट वो ये डैंड्रफ आपके पूरे बॉडी में ऐसा लगेगा कि डैंड्रफ हो गया पूरे बॉडी में। रैसेस स्किन पेन, कभी कभी सिम्टम्स में स्किन पेन भी रहता है, दर्द भी होता है पेशेंट को, रेडनेस फ्लेयर अप्स जॉइंट्स पेन, कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट में स्किन प्रॉब्लम के साथ साथ दर्द भी होते हैं जोड़ों में जॉइंट्स में, और क्या है नेल्स प्रॉब्लम। तो ये जो भी सिम्टम्स है ये ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान में सारे सिम्टम्स देखने को मिले, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, वेरी करता है कि उसको किस टाइप का सोराइसिस है, सोराइसिस के टाइप पे डिपेंड करता है कि उसके जो भी सिम्टम्स है वो कैसे होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी भी इंसान को अगर स्केलिंग है तो इरिदमा इरिदमा है और उसे ब्लीडिंग भी हो, नहीं हो सकता उसको ब्लीडिंग ना हो रही हो, कोई इंसान हो सकता है उसको स्केलिंग है ब्लीडिंग हो रही है उसके जॉइंट्स में भी पेन है ऐसा कुछ है, तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे ये नोट करना है कि जो सोराइसिस के सिम्टम्स है ये साइक्लिक चलते हैं, मतलब कुछ फ्यू मंथ्स तक टू फ्यू वीक्स तक ये सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा सीवियर दिखते हैं, फिर अभी अब फिर ये अपने आप ही धीरे धीरे कम हो जाते हैं, और एक ऐसे मोमेंट में आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल अननोटिसेबल है सिम्टम्स, बिल्कुल चले ही जाते हैं, ऐसा लगता है कि वो ठीक हो गया है, बट फिर कुछ टाइम के बाद वापस से आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, डैंड्रफ जैसे हो जाते हैं स्काल्प में, या फिर अगर किसी बॉडी पार्ट में है तो वहाँ पे भी आपको ऐसा दिखने को मिलता है। तो ये जो सिम्टम्स है वो साइक्लिक होता है, कुछ फ्यू मंथ्स तक होंगे फिर वो ठीक हो जाएंगे फिर वापस से आ जाएंगे, तो कुछ इस तरीके का साइक्लिक सिम्टम्स देखने को मिलता है सोराइटिक वाले पेशेंट्स में। अब हम समझते हैं टाइप्स को ठीक है, तो टाइप्स में जनरली सबसे पहला है प्लैक, प्लैक सोराइसिस, ये मोस्ट कॉमन टाइप है, अधिकतर लोगों को यही होता है प्लैक सोराइसिस। इसमें क्या होता है, प्लैक सोराइसिस में क्या होता है, इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय थिक रेड और पर्पल पैचेस ऑफ स्किन, मतलब जो प्लैक सोराइसिस होता है उसमें स्किन कैसी हो जाती है, थिक रेड स्किन दिखती है आपको, अगर वो इंसान फेयर है तो आपको रेड स्किन दिखेगी थिक, अगर वो इंसान डार्क टोन वाला पेशेंट है तो मतलब आपको स्किन कैसी दिखेगी, पर्पलिश टाइप, थिक पर्पलिश टाइप, तो वो डिपेंड करता है स्किन टोन पे कि रंग कैसा है।
और कैसा क्या होता है, ऑफन विथ ए सिल्वरी वाइट और ग्रे स्केल्स। अगर कोई इंसान फेयर है तो उसमें सिल्वरी वाइट स्केल्स होंगे, कोई अगर डार्क इंसान है, डार्क टोन वाले स्किन टोन वाला है, तो उसमें जो स्केल्स होंगे वो ग्रेस टाइप होंगे। तो ये स्केल्स का जो कलर है या फिर जो थिकनेस है, स्किन थिकनेस है, ये कलर जो है ये डिपेंड करता है कि वो पेशेंट फेयर है या फिर डार्क टोन वाला पेशेंट है। तो यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि जो इस प्लैक फॉर्म प्लैक सोराइसिस है, इसमें क्या होता है, स्किन जो होती है वो रेड थिक हो जाती है, साथ ही साथ वो जो स्किन है वो उसमें पैचेस फॉर्म हो जाते हैं, और जो पैचेस होते हैं वो पैचेस के ऊपर कैसी स्किन हो जाती है, स्केली स्किन हो जाती है, पपड़ी टाइप। ये आपको इतना ध्यान रखना है यहाँ पे। दीज पैचेज ऑफन अपेयर, ये जो पैचेज होते हैं ये कहाँ कहाँ पे अपेयर होते हैं, जनरली स्कैल्प में होते हैं, एल्बोज में होते हैं, नीज में होते हैं, लोअर बैक्स में होते हैं, ये मोस्ट कॉमन एरिया है। फिर है सेकेंड ग्यूटेट सोराइसिस। ग्यूटेट सोराइसिस में क्या होता है, ये मोस्ट सेकेंड मोस्ट कॉमन है। तो यहाँ पे क्या होता है, अपेयर्स इन ए स्मॉल रेड स्पॉट, मतलब आपको यहाँ पे कैसा दिखेगा, छोटे छोटे रेड स्पॉट्स दिखेंगे, काफ़ी छोटे छोटे होते हैं ये, ड्रॉप लाइक बिल्कुल, जहाँ पे भी सोराइसिस है, हो सकता है ये कहाँ पे हो। अगर डार्कर टोन वाला पेशेंट है तो ये स्पॉट्स कैसे दिखेंगे आपको, वॉलेट या फिर ब्राउन। अगर फेयर है तो कैसे दिखेंगे, रेड स्पॉट्स दिखेंगे। अगर डार्क है तो ये जो स्पॉट्स है वो कैसे होंगे, वॉलेट या फिर पर्पल टाइप, ब्राउनिश टाइप दिखेंगे आपको। इट्स द सेकेंड मोस्ट कॉमन, जैसा कि मैंने बताया, और दे ऑफन अपियर ऑन दी टॉर्सो एंड लिम्फ एरिया। टॉर्सो मतलब यहाँ से यहाँ तक का एरिया हो गया, और लिम्फ आपका हाथ और पैर, ये जनरली यहीं पे देखने को मिलता है ग्यूटेड सोराइसिस। ओके, और ये जो ग्यूटेड सोराइसिस होते हैं ये छोटे छोटे स्पॉट्स जैसे होते हैं, कहाँ पे जनरली देखने को मिलता है, टॉर्सो एरिया और लिम्फ एरिया। ये आपके फेस या फिर स्कैल्प में भी हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन एरिया कहाँ पे है, टॉर्सो एंड लिम्फ। ओके, थर्ड है इनवर्स सोराइसिस। इसमें क्या होता है, ये जनरली कहाँ पे देखने को मिलता है, स्किन फोल्ड्स, जहाँ पे भी स्किन फोल्ड्स है, दो स्किन आपस में अटैच्ड है, ये वहीं पे देखने को मिलता है इनवर्स सोराइसिस। जैसे कि हो गया हमारा अंडर आर्म, अंडर ब्रेस्ट, ग्रॉइन एरिया, जहाँ पे भी स्किन फोल्ड्स है वहाँ पे ये इनवर्स सोराइसिस देखने को मिलता है। और ये कैसे दिखते हैं, दिस टाइप ऑफ सोराइसिस इज रेड और पर्पल, इट डिपेंड्स ऑन स्किन टोन एंड ऑफन शाइनी एंड स्मूथ। यहाँ पे जो सोराइसिस है वो कैसे होते हैं, इनवर्स सोराइसिस में क्या होता है कि जो पैचेस है वो शाइनी होते हैं, स्मूथ होते, स्केली नहीं होते, सिल्वर स्केली जैसे पपड़ी जैसे कुछ नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, शाइनी स्मूथ डार्क रेड पैचेस, ठीक है, कहाँ पे होता है, स्किन फोल्ड्स में, उसको क्या बोलते हैं, इनवर्स सोराइसिस। इतना ही आपको ध्यान रखना है। फिर है सोराइटिक अर्थराइटिस। अर्थराइटिस क्या है, ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें हमारा बॉडी, हमारे जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो मिस्टेकनली हमारे ही हेल्दी बोन्स को अटैक करता है, बोन्स को डैमेज करता है। सोराइसिस में भी क्या हो रहा है, जो हमारा ये ऑटो इम्यून सिस्टम है वो गड़बड़ होने से मिस्टेकनली अटैक कर रहा है आपके किसको, स्किन्स को, हेल्दी स्किन्स को, और स्किन को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। तो जो दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, कॉज क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज, दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम के कारण ये डिजीज कॉज हो रहा है। तो सोराइसिस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, सो इट कैन ट्रिगर योर बॉडी टू अटैक योर जॉइंट्स, जिसमें क्या हो रहा है कि आपका जो बॉडी है ये आपके जॉइंट्स को अटैक कर रहा है या फिर स्किन को भी अटैक कर रहा है। अगर जॉइंट्स को अटैक कर रहा है तो अर्थराइटिस है, स्किन को अटैक कर रहा है तो सोराइसिस है, अगर दोनों को ही अटैक कर रहा है तो उसको सोराइटिक अर्थराइटिस है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्किन प्रॉब्लम के साथ साथ जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम, जॉइंट्स में भी पेन होगा, ठीक है। इट कैन अफेक्ट मेनी जॉइंट्स एंड ऑफन बिकम क्वाइट सीवियर इन दी हैंड्स, आपके किसी भी जॉइंट को ये अफेक्ट कर सकता है, बट सबसे ज़्यादा से सीवियर कब हो जाता है, जब अगर आपके हाथों को अफेक्ट करे, उंगलियों को अफेक्ट करे, तो सबसे ज़्यादा ये सीवियर हो जाता है। स्किन सिम्टम्स यूजली अपेयर बिफोर जॉइंट सिम्टम्स, मतलब जो स्किन सिम्टम्स है वो पहले आपको दिखते हैं, पहले आपको दिखेंगे कि आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, फिर आपको जॉइंट्स पेन बाद में होगा। तो ये प्रॉब्लम क्या कहलाएगा, सोराइटिक अर्थराइटिस, मतलब सोराइसिस के साथ साथ क्या प्रॉब्लम है, जॉइंट्स में दर्द है पेशेंट को। नाउ इस स्लाइड में आपको देखना है इरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस। इरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस में क्या होता है, ये तो पहला एक रेयर टाइप ऑफ सोराइसिस
ज्यादा लोगों में ही देखने को नहीं मिलता, बट मोस्ट सीरियस एंड लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम, ये बहुत ही ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस। होता क्या है यहाँ पे, ये कैसे दिखते हैं, दैट्स लुक ब्राइट रेड और डार्क पर्पलिस, अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर स्किन टोन, कि आप फेयर हो तो डार्क रेड दिखेंगे, अगर वो स्किन डार्क टोन वाला है तो उसमें पर्पलिस ब्राउनिश टाइप दिखेंगे ये सिम्टम्स इन पीपल विद डार्कर टोन, जैसे मैंने बताया। ओके यहाँ पे क्या होता है, अलॉन्ग विथ शेडिंग ऑफ स्किन्स, जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएट होती है, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ जैसे स्किन्स पूरे बॉडी से झड़ते हैं, और ये कैसा है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। पेशेंट जो होता है उसका, उसको डिहाइड्रेशन हो जाता है, चिल्स हो जाते हैं, फीवर, हाई फीवर रहता है, तो इट रिक्वायर्ड अर्जेंट मेडिकल अटेंशन। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये रेयर टाइप है बट मोस्ट सीरियस एंड रिक्वायर मेडिकल अटेंशन। कैसा होता है, कैसा दिखता है, रैसेस होते हैं पूरे बॉडी में, और पूरे बॉडी से स्किन जो होती है वो एक्सफोलिएट होती है, निकलती है। ओके पोस्टुलर सोराइसिस लास्ट वन, इसमें क्या होता है, दिस फॉर्म ऑफ सोराइसिस मे डेवलप क्विकली इन द फॉर्म ऑफ मेनी वाइट पोस्टुल्स। मतलब यहाँ पे आपके पूरे बॉडी जहाँ पे भी ये सोराइसिस है वहाँ पे कैसे दिखेंगे, आपको छोटे 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 घाव हो जाते हैं, और उसके अंदर क्या फील हो जाता है, वाइट वाटर या फिर पस, और ये पस कैसा होता है, नॉन इन्फेक्टियस, मतलब नॉन इन्फेक्ट, इन्फेक्शन के कारण जनरली पस कब फॉर्म होता है, जब वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल या वायरल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जनरली होता है पस फॉर्म, बट यहाँ पे पस फॉर्म होने का कारण कोई बैक्टीरिया नहीं है, तो इस वजह से ये जो पस होते हैं ये नॉन इन्फेक्टियस होते हैं, बट जहाँ पे भी है वहाँ पे बहुत छोटे छोटे वाइट पॉस्टुल्स हो जाते हैं, और वो पॉस्टुल्स किससे फिल होते हैं, पस से फिल होते हैं, और ये जो पस होते हैं ये नॉन इन्फेक्टियस होते हैं। हाँ देन फिर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, पॉस्टुलर सोराइसिस मे अफेक्ट योर हैंड एंड फिट, आपके हाथों को आपके पैरों को ये अफेक्ट करता है, और कवर मोस्ट ऑफ योर स्किन सरफेस, या फिर बहुत ज़्यादा, या तो ये स्मॉल एरिया पे आपके हाथों को, हाथों में है या पैरों में है, या फिर ये अदर स्किन में भी फैला हुआ है, ये हो सकता है आपके मोस्ट एरिया को भी ये कवर कर सकता है। दिस पॉस्टुल्स कैन ऑल्सो जॉइन टूगेदर, हाँ अगर बहुत ज़्यादा पॉस्टुल्स है छोटे छोटे वाइट, तो ये सिल्वर स्केली स्किन भी फॉर्म करते हैं, मतलब यहाँ पे पॉस्टुल्स के साथ साथ स्किन में आपको पैचेस भी देखने को मिलेंगे, सिल्वरी स्केल्स भी देखने को मिलेंगे, पपड़ी जैसी भी आपकी स्किन हो जाएगी यहाँ पे पॉस्टुलर सोराइसिस में। हाउएवर इफ इट अफेक्ट्स ऑल एरिया ऑफ योर बॉडी, अगर आपके पूरे बॉडी में ये अफेक्ट कर रहा है, हर कहीं पे हो गया है, तो ये जो कंडीशन है ये सीवियर हो जाता है, और ये डिजीज कहलाता है वॉन ज़ुम्बैक। वॉन ज़ुम्बैक में क्या होता है, पॉस्टुल्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा एरिया के बॉडी स्किन को अफेक्ट कर देता है, और ये सीवियर हो जाता है। जनरली ये जो पॉस्टुलर सोराइसिस है ये कितने टाइप्स के, वॉन ज़ुम्बैक जिसमें आपके पूरे बॉडी में ये फैल जाता है पॉस्टुल्स, और है पाल्मोप्लांटर सोराइसिस, मतलब आपके पाल्म में है, आपके फिट के सोल में है, और एक्रोपोस्टुलोसिस, मतलब अगर ये पॉस्टुल्स बेबी में है, बेबी को है, तो ये एक्रोपोस्टुलोसिस कहलाएगा। समझ गए आप यहाँ तक, अभी तक आप जो भी टाइप्स पढ़ रहे थे उस टाइप्स को आप फिगर से ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो ये है प्लैक सोराइसिस, जिसमें आप देख सकते हो स्किन पैचेस में है, ये पैचेस यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, और बहुत सारे पैचेस मिलकर बहुत ज़्यादा एरिया कवर किया हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ये पैचेस लार्ज हो और एक ही जगह पे हो, ऐसा भी हो सकता है, डिपेंड करता है। कैसा दिख रहा है आपको, सिल्वरी स्केल्स दिख रहे हैं इसके ऊपर, ये पैचेस के ऊपर सिल्वरी स्केल्स दिख रहे हैं आपको, स्किन पपड़ी जैसी दिख रही है आपको, और क्या दिख रहा है, इन्फ्लेमेशन है यहाँ पे, स्किन जो है वो थिक हो गई है, थिक हो गई है, और अगर वो इंसान फेयर है तो ये स्किन आपको साइड साइड से आपको रेड दिखेगी, अगर आप उसको खुजलाओगे, इचिंग करोगे, तो ये पपड़ी हट जाने के बाद आपको स्किन रेड दिखेगी, अगर वही इंसान अगर डार्क टोन वाला पेशेंट है तो उसमें पर्पलिस ब्राउनिस टाइप दिखेगी। ब्लैक सोराइसिस से समझ गए हो, जनरली कहाँ पे होता है, एल्बो में, स्काल्प में, नीज में, लोअर बैक्स में, यहाँ पे। ग्यूटेट सोराइसिस, छोटे 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 डार्क रेड स्पॉट्स हो जाते हैं बॉडी में, और ये जो स्पॉट्स होते हैं छोटे छोटे स्पॉट्स हो जाते हैं, और ये सिल्वरी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ऐसा मतलब ये डिपेंड करता है जो स्पॉट्स है उसके ऊपर स्केल्स है या नहीं, ये स्केल्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ये ग्यूटेट सोराइसिस कहलाएगा। और अगर ये डार्क स्किन वाला पेशेंट है तो ये जो रेड स्पॉट्स है ये कैसे दिखेंगे आपको, ब्राउनिश टाइप दिखेंगे, ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स दिखेंगे। फिर है पॉस्टुलर सोराइसिस, जिसमें आप देख सकते हो छोटे छोटे
ये घाव जैसे हो गया और इसके अंदर क्या फील हो गया, पस फील है, पस फील है, और ये पस कैसा है, नॉन इन्फेक्टियस है, ओके। और ये आपके पाल्म को, फिट को अफेक्ट कर सकता है, बहुत लार्ज एरिया को अगर ये कवर किया हुआ है तो ये फिर स्केल्स भी फॉर्म कर सकता है, मतलब यहाँ पे आपको पपड़ी जैसी स्किन्स निकलती हुई दिखेगी। फिर है इन्वर्स सोराइसिस, फिगर से आप ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ पाओगे क्योंकि फिगर क्लियर नहीं है, तो इस जैसा कि मैंने बताया था इन्वर्स सोराइसिस में क्या होता है, ये स्किन फोल्ड्स में होता है, जैसे कि अंडर आर्म, ब्रिस्ट, अंडर ब्रिस्ट, ग्रोइन एरिया, यहाँ पे। और ये कैसे होते हैं, स्केली नहीं होते हैं, साइनी स्मूथ होते हैं, डार्क रेड होते हैं। इरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस जो कि कैसा दिख रहा है आपको, रेसिस टाइप है और पूरे स्किन में डैंड्रफ जैसा दिख रहा है, और ये आपके पूरे बॉडी, लार्ज एरिया बॉडी को कवर करता है। और इरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस जो है ये रेयर है बट वेरी सीरियस, मोस्ट सीरियस है और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट कर सकता है। ये यहाँ पे जो पेशेंट होते हैं वो उसमें हाई फीवर भी सिम्टम्स देखने को मिलता है और डिहाइड्रेशन हो जाती है उसकी बॉडी और चिल्स। तो यहाँ पे इरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस में क्या रिक्वायरमेंट हो जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन की, जो पेशेंट होते हैं वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, इट रिक्वायर मेडिकल अर्जेंसी। तो अब इस स्लाइड में देखना है कॉज क्या है, टाइप समझ गया हो कितने टाइप्स के, कारण क्या है, सोराइसिस क्यों होता है। तो पहला तो ये कारण है कि ये जेनेटिक हो सकता है, अगर किसी फैमिली हिस्ट्री में ये प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है, सोराइसिस है, तो ये जनरेशन टू जनरेशन पास हो सकता है, ज़्यादा चांस है कि ये आगे जनरेशन में पास हो। अगर बोथ पेरेंट को सोराइसिस है तो 75% चांस होता है कि बच्चे में भी सोराइसिस डेवलप हो, अगर किसी एक पेरेंट को सोराइसिस है तो 15%, सिर्फ 15% चांस है कि उसके बच्चे में सोराइसिस डेवलप हो। तो ये ऑब्वियसली जेनेटिक है और ये कई सारे जीन्स पाए गए हैं रिसर्च में जो कि सोराइसिस डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास हो रहे हैं, ऐसे कई सारे जीन्स हैं। तो आपका जो टारगेट हो सकता है रिसर्च में या फिर मेडिसिन डेवलप करने के लिए, कि आप जीन्स को टारगेट कर सकते हो, ऐसे जो भी जीन्स रिस्पॉन्सिबल है उस जीन्स को कुछ म्यूटेट वगैरह करके सोराइसिस के डेवलपमेंट को फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन रोक सकते हैं। तो ये सब अभी अंडर रिसर्च है। नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम डिसरेगुलेशन होना, मतलब इम्यून सिस्टम बिगड़ जाने से, इम्यून का सिस्टम, हमारे जो इम्यून का बॉडी, इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में ये मिसटेकनली अटैक करता है हमारे बॉडी के स्किन, हेल्दी स्किन को, और स्किन को डैमेज करता है मिसटेकनली, गलती से, हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे ही स्किन को गलती से डैमेज कर रहा है मिसटेकनली, और ये क्या कहलाएगा, ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। तो यहाँ पे इम्यून का बिगड़ना सोराइसिस डेवलप कर सकता है। अब ये इम्यून सिस्टम डिसरेगुलेट कैसे हुआ, कैसे बिगड़ गया अचानक से, ये चीज़ हमें नहीं पता, अननोन है ये चीज़, अभी ये पता नहीं हमको कि ये इम्यून सिस्टम डिसरेगुलेट हुआ कैसे है, बट ये हुआ है और हमारे स्किन को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। तो दो कॉज हो गया, एक तो जेनेटिक, कई जीन्स रिस्पॉन्सिबल है जो सोराइसिस डेवलप करते हैं, जनरेशन टू जनरेशन पास होता है ये जीन्स। दूसरा हो गया इम्यून सिस्टम का बिगड़ना, इम्यून सिस्टम कैसे बिगड़ा नहीं पता, ठीक है, ये चीज़ अननोन है। थर्ड कॉज है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो कि सोराइसिस के सिम्टम को डेवलप कर सकते, ट्रिगर कर सकते हैं। अगर किसी इंसान को सोराइसिस है तो जो भी सिम्टम्स होते हैं वो अपने आप आते हैं, कुछ फ्यू मंथ्स, फ्यू वीक रहते हैं, सीवियर कंडीशन होता है उस टाइम पे, फिर ये धीरे धीरे अपने आप ही कम होता जाता है और एक टाइम पर बिल्कुल अननोटिसेबल हो जाता है, फिर वापस से ये फ्लैरअप्स, ये जो सिम्टम्स होते हैं वो वापस से फ्लैरअप्स होते हैं, तो ये साइक्लिक चलता है सिम्टम्स। बट अगर उस बीच वो इंसान ज़्यादा स्ट्रेस ले ले सिम्टम्स, तो फिर क्या हो सकता है, वापस से फ्लेयर अप हो जाए, वापस से आ जाए, इंजरी होने से, इन्फेक्शन होने से। इन्फेक्शन में जनरली क्या है, स्ट्रेप थ्रोट इज अ कॉमन ट्रिगर, स्ट्रेप थ्रोट मतलब गले में इन्फेक्शन होना, सोर थ्रोट होना, गले में दर्द होना, ये जो इन्फेक्शन है इसके बाद ड्यूटेड सोराइसिस डेवलप होता है जनरली। अगर आप, बहुत सारे पेशेंट में ऐसा देखने को मिला है कि अगर उसको सोराइसिस है, सिम्टम चले गए बट उसको सोर थ्रोट हुआ है, तो वापस से सोराइसिस सिम्टम्स आ जाए। स्ट्रेप थ्रोट के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया, ये हमारे नेक को इन्फेक्ट करता है, और एक बार अगर कोई इन्फेक्शन, ये सोर थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, तो इस इन्फेक्शन के बाद जो सिम्टम्स है, सोराइटिक सिम्टम्स है, वो
ट्रिगर हो सकता है। जनरली कौन सा सोरायसिस ट्रिगर हो जाता है? ग्यूटेड सोरायसिस, जिसमें हमने देखा था छोटे छोटे डार्क रेड स्पॉट्स हो जाते हैं बॉडी में, तो ये सिम्टम्स अपीयर हो सकता है इन्फेक्शन के बाद, ठीक है। फिर है सर्टेन मेडिकेशंस, कुछ मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट से भी ये जो सोराइटिक सिम्टम्स है वो ट्रिगर हो सकता है, जैसे कि लिथियम एंटी मलेरियल मेडिकेशंस, हाई ब्लड प्रेशर की जो मेडिकेशंस होते हैं वो। तो ये कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है जो सोराइसिस को ट्रिगर करता है। आपको जनरली दो ध्यान में रखने, जेनेटिक और इम्यून सिस्टम डिसरेगुलेशन। सबसे बड़ा रोल होता है इम्यून सिस्टम डिसरेगुलेशन होने से, जो हमारा हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो गलती से अटैक करता है हमारे हेल्दी सेल को, और हेल्दी सेल स्किन सेल को क्या करता है, डैमेज करता है। क्या कॉज करता है? सोराइसिस कॉज करता है। तो आप कॉज समझ गए हो, टाइप समझ गए हो, सोराइसिस है क्या ये समझ गए हो, और सोराइसिस वर्ल्ड वाइड कितने लोगों का इफेक्ट कर रहा है ये भी समझ गए हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम डिसरेगुलेट हुआ तो उसके बाद क्या क्या प्रोसेस चल रही है हमारे बॉडी के स्किन के अंदर, और किस तरीके से ये इम्यून सिस्टम मिलकर हमारी स्किन को डैमेज कर रही है। ओके, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। हैव अ गुड डे।